हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्विएंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें बताना है एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है। चलो पहले सबसे पहले इसको नेम दे देते हैं हम। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, उसकी थोड़ी साइज। और यहां पर राइट कीजिए, इसे दे देता हूं, इसे सी दे देता हूं, इसे बी दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इन ट्रायंगल, एबीसी। सॉरी, आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, इस तरह राइट कर सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल का नेम क्या है? ए बी सी, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ऊपर ए बी सी दिया गया, इसलिए मैंने एबीसी लिखा। ठीक है, आप यहां पर देखिए, थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर देवा है आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो यहां कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देवा है। तो सिंपली मैं जो गिवन है पहले राइट कर लेता हूं। गिवन क्या देवा है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमें क्या दिया हुआ है? ये गिवन देवा है। ठीक है, ये गिवन है। अब कॉस का फॉर्मूला क्या है? साइन के अंत में आता है कॉस, एडजेसेंट अपॉन कॉस ए देवा है। देखिए यहां पर ये ए, यहां पर ये ए, आप ऑब्जर्व कीजिए कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट क्या हो गया कॉस ए का? ए सी, एडजेसन ए सी और हाइपोटेन्यूस ए बी, करेक्ट। तो मैं यहां राइट कर लूंगा, तो कॉस ए का पहले मैं सेपरेट लिख देता हूं, कॉस ए का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए सी अपॉन ए बी, राइट कर दिए ए सी अपॉन ए बी कॉमा कॉस बी। मैं कॉस बी को राइट कर लेता हूं, देखिए ये कॉस बी, तो फॉर्मूला हुई एडजेसेंट अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी, करेक्ट, बी सी अपॉन ए बी। तो सिंपली दोनों में मैंने राइट कर लिया। अब गिवन हमें देवा था, क्या देवा था? गिवन, गिवन क्या दिया है हमें? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए की वैल्यू क्या पुट की हमने? यहां पर ऑब्जर्व कीजिए आप ऊपर, ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी को बी सी अपॉन ए बी। तो देखिए इस तरह हमने राइट किए। अब आपको पता है क्या? सिंपली तो हम अगर चेक करते हैं तो दोनों तरफ की जो साइड है सेम सेम आ रही है, देखिए। तो हम इसे इसे कैंसिल कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं ए बी को। तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ रहे हैं, तो हम इसे कट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ राइट कर सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो देयर फोर हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एंगल बी। क्यों एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी? मैं यहाँ रीजन लिख डालता हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर हमारा पसंद आया आपको तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल पे ये कीजिए, आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर वीडियो।